नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं एमए हिंदी के बारे में। एमए हिंदी का जो कोर्स होता है वो पीजी कोर्स है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर का ये कोर्स है। एमए हिंदी 2 साल का कोर्स होता है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, हर 6 महीने में 1 सेमेस्टर होता है। और प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के जो पेपर होते हैं उनका डिटेल आप देख सकते हैं। ये कोर्स डिटेल जो है मध्य प्रदेश के जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में भी या आपके कोर्स में भी यही पेपर हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें एमए हिंदी जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, पेपर का नाम सेम रहता है लेकिन उसके अंदर के चैप्टर अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले एमए हिंदी में एक फर्स्ट जो सेमेस्टर होगा उसमें 4 पेपर होंगे, प्रथम पेपर, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, यानी टोटल 4 पेपर होंगे आपके एक सेमेस्टर में। इसी तरह से 4 पेपर आपके सेकंड सेमेस्टर में भी होंगे। अब आते हैं तो जो पेपर है उनका नाम क्या है। तो फर्स्ट जो पेपर है, प्रथम, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य तथा उसका इतिहास, ये फर्स्ट पेपर है। दूसरा है आधुनिक हिंदी गद्य और उसका इतिहास। फिर तीसरा है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और चौथा पेपर होता है प्रयोजन मूलक हिंदी। ये 4 पेपर होते हैं और सेम यही 4 पेपर आपके सेकंड सेमेस्टर में भी होते हैं। नाम सेम रहेगा पेपर का लेकिन उसमें चैप्टर अलग रहेंगे। अब आते हैं कि नंबर कितने के रहेंगे, मार्क्स का क्या है। तो इसमें जो पेपर आपके होंगे वो 100 नंबर का रहेगा, लेकिन जो थ्योरी पेपर होगा वो 85 नंबर का रहेगा और 15 नंबर का आपका CCE होगा, यानी प्रैक्टिकल या इंटरनल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं इसमें जो भी स्टूडेंट हैं उनमें रेगुलर और प्राइवेट में किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थ्योरी पेपर जो है 85 नंबर का होता है, कहीं कहीं 40 नंबर्स का भी होता है और कहीं कहीं 35 नंबर्स का भी पेपर होता है, थ्योरी पेपर। बाकी जो है 15 नंबर है, 15 नंबर का आपका CCE होगा यानी इंटरनल। अगर 100 नंबर का है तो उसमें इस प्रकार से रहेगा, अगर 50 का है तो 40 की थ्योरी होगी और 10 का इंटरनल, और 50 है तो कहीं कहीं 35 का थ्योरी और 15 नंबर का इंटरनल। इस प्रकार से मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जो प्राइवेट के स्टूडेंट हैं तो उनका CCE नहीं होता, उनमें कोई इंटरनल नहीं होता, डायरेक्ट पेपर ही होते हैं। और प्राइवेट स्टूडेंटों के पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे या 50 मार्क्स के रहेंगे, उनमें कोई भी प्रैक्टिकल या इंटरनल का ऑप्शन नहीं रहता है। अब आते हैं इसमें CCE क्या है। CCE होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसका मतलब होता है असेसमेंट या असाइनमेंट, इंटरनल या प्रैक्टिकल, ठीक है, सब इसी में आता है। या CCE को हिंदी कह सकते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इस तरह से आपके 4 पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एमए में और सेकंड सेमेस्टर एमए हिंदी में। तो आप देख सकते हैं, बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।